वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक अपने वर्कशॉप पर हाई स्पीड फैन आ रहा है रिपेयरिंग को। छोटा सा ही है पर इसका हवा बहुत ज़ोर से आता है दोस्तों। हाई स्पीड फैन है, इसका प्रॉब्लम क्या था, एक ही स्पीड पर फिर ये स्पिन हो रहा था। हाई स्पीड पर ये दोनों स्पीड बंद थे। इसका कॉइल भी मैंने चेंज कर दिया है और उसका मोटर भी जाम था दोस्तों। मोटर जाम था इसलिए उसे ओवरऑलिंग करना पड़ा। ये इसके मोटर के जो बूच होते हैं अंदर, इधर एक बूच होता है कॉपर का, इधर एक अंदर बूच होता है कॉपर का, शॉप में रहता है वो बूच के ऊपर ये ऐसा कॉटन का ये रहता है, कॉटन की स्लीव रहती है गोल। ये हमेशा ऑयल में, इससे इसका ऑयल अगर ख़त्म हो जाए तो फैन जाम हो जाता है दोस्तों, ड्राई हो जाता है शॉफ्ट, फैन का शॉफ्ट ड्राई हो जाता है, इसलिए फैन जाम हो जाता है। ये कॉटन की स्लीव इसके अंदर रहती है इधर बुशिंग के पीछे। अभी उसे मैंने ऑयलिंग कर दिया है, आपको दिख रही होगी स्लीव, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, इधर स्लीव होती है, इधर स्लीव है, पूरी तरह मैंने गीली कर दिया है ऑयल से। और ये प्लेट है, इसके अंदर बुशिंग रहता है। और ये नट बोल्ट है इधर एक, और इधर एक नट बोल्ट है, इससे बुशिंग पैक होता है। देखिए ऑयलिंग, ऐसा ऑयलिंग करते हैं, पूरा मैंने गीला कर दिया है, उसे ऑयलिंग कर दिया है, आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी फैन ही पूरी तरह फ्री हो गया है। इधर एक है, देखिए इधर सामने की तरफ एक बुशिंग रहता है, दिख रहा है आपको, कॉटन की स्लीव दिख रही है अंदर, अब वाइट प्लेट के पीछे। उसे भी मैंने ऑयल से गीला कर दिया है। यहाँ पर ऑयल डालना पड़ता है दोस्तों, इस स्लीव में, कॉटन की स्लीव में। देखिए ऑयल ऑब्जर्व कर रहा है अभी तक, देखिए अंदर ऑयल समा रहा है उसके, पूरा ड्राई हो गया था ये। अभी लगा के दिखाता हूँ आपको इसका स्पीड। देखिए हाई स्पीड है ये, हाई, ये मीडियम, देखिए लो हो गया, इसी तरह फैन को ऑयलिंग करते हैं दोस्तों। किस किस फैन को इधर होल रहते हैं, इधर एक होल रहता है, इस होल में ऑयल डालना पड़ता है। इसे अभी होल नहीं है, इस कॉटन के कपड़े पर ऑयल डालना पड़ता है। अभी एकदम फ्री हो गया है, बहुत ज़ोर से घूम रहा है, स्पिन हो रहा है। देखिए और स्पीड कंट्रोल का भी इसका काम किया है, वो भी दिखाता हूँ आपको। इसको उल्टा करता हूँ, देखिए एक ऑयल मैंने नया डाल दिया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। ये पहले ऐसा कोयल था चाइना वाला, देखिए डैमेज हो गया हीट होके, और बॉडी शॉर्ट भी हो गया था ये। देखिए क्रॉम्पटन के कोयल में और ये चाइना कोयल में कितना फर्क है। वाइट ऑफ क्रॉम्पटन का ज़्यादा वेट का होता है, हेवी ड्यूटी, ये ख़राब नहीं होता, चॉकलेटी कलर में आता है। और ये हरा कलर में है, वो चाइना का कोयल है दोस्तों।
ये 6 महीने में ही ख़राब हो जाता, ये 2-2 बरस टिकता है क्रॉम्पटन का कोईल, बिता दिया है मैंने कोईल। ये कंडेंसर रहता है 2.5 माइक्रोफारेड का एसी कंडेंसर, स्टार्टिंग देने के लिए फैन को, स्टार्ट करने के लिए इसका काम रहता है स्टार्ट करना, फैन को जर्क देना, ये कंडेंसर का काम रहता है। 2.25 माइक्रोफारेड का एक कंडेंसर और एक कॉइल एक, देखिए कंडेंसर की वैल्यू 2.5 रहता है, इसकी स्पैन को 2.25 रहता है। ये अच्छा है कंडेंसर, ये बदलना नहीं पड़ा, सिर्फ एक स्पीड का प्रॉब्लम था, ये स्विच है ऊपर, एक स्पीड, ये 2 स्पीड, ये 3 स्पीड, ये दोनों स्पीड काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ हाई स्पीड ही काम कर रहा था। ये कॉइल डालने से तीनों स्पीड अभी परफेक्टली वर्क हो रहे हैं, यही टर्मिनल काम कर रहा था इस कॉइल का, ये दोनों खराब हो गए, डैमेज हो गए, कॉइल बदल दिया, इसलिए वायरिंग कर दिया है, इधर सोल्डर कर दिया है, सोल्डर करके इस पर स्लू लगा दिया है ताकि शॉर्ट ना हो बॉडी को। देखिए सोल्डर कर दिया है अच्छी तरह से, ये फैन दोस्तों टोटली रिपेयर हो गया है, मूविंग करके देखा था, मूविंग भी होता है, बहुत गंदा भी हो गया था, सब क्लीन कर दिया।